अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुल्फा जहान। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बढ़िया कॉन्डिमेंट वेल का रेसिपी शेयर करूंगी। तो जिसके लिए मैंने 12-13 लहसुन का कलियां लेके इस तरह से चॉप कर रही हूँ। बहुत ही बारीक चॉप होता है तो अच्छा होता है। उसके बाद 1 इंच अदरक, उसको भी बहुत बढ़िया करके चॉप कर ले रही हूँ। इसके बाद कटोरा में 1/2 कप चिली फ्लेक लेंगे। चिली फ्लेक लेने के बाद चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक इसमें दे देंगे और नमक अपने हिसाब से देंगे, जिसको जैसा चाहिए। मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक मिला के अच्छे से मिक्स करके रख रही हूँ। इसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करूँगी। मैं 1 कप मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। आप चाहे तो आपका पसंदीदा कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये थोड़ी सी हल्की सी गर्म हो जाए उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 तेज़पत्ता दे रही हूँ, अगर बड़ा है तो 1 इस्तेमाल करें, 2 छोटा इलायची, 1 बड़ा इलायची, 1 जावित्री, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 3 चक्रफूल, 2 लौंग और 1/2 टीस्पून काली मिर्च देके इसको बहुत अच्छे से धीमे आंच में 7, 8 या 10 मिनट तक इसको चला लीजिए। तेल का कच्चापन भी हट जाए और मसाले का खुशबू इसके अंदर चले जाए। उसके बाद इस तेल को सीधा स्ट्रेनर की मदद से इस मसाले में ऐड कर दीजिए, करके अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद इसको ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद इसको एक बॉटल में प्रिजर्व करके रख दीजिए। उसके बाद आप इसको कोई भी खाने के साथ इस्तेमाल कीजिए। भरता बनाए, सलाद बनाए, मैगी, पास्ता, किसी में भी आप इसको ऐड करके खा सकते हैं। खाने का स्वाद ये कॉन्डिमेंट ऑयल बढ़ा देते हैं और बनाना भी तो इतना आसान है। तो आप लोग भी इसको बनाइए, रखिए, इसका मज़ा लीजिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।